हेलो एवरीवन, सो भाई क्लास 10 वाली बच्चों पार्टी आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं भाई क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का वन शॉट एक्सप्लेनेशन है ना। तो भाई यहां के केमिकल लोचे से मोहब्बत कराने की जिम्मेदारी हमने ली थी, उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए जनाब केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 तो हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 के साथ में आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वही केमिकल्स के बारे में, वही जिससे आपको प्यार कराना है जनाब। तो आज हम बात करेंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और भैया ये चला हमारा 40 डेज चैलेंज, ये हमारा डे नंबर 4। उम्मीद करूंगा भैया एकदम जोश हाई रहना चाहिए जनाब। इस 40 डेज चैलेंज के अंदर हमको ये दिखा देना है कि भैया हम वो हैं, हम में दम है कि हम 95% मार्क्स ला सकते हैं, हम 90 प्लस जा सकते हैं। अगर तुम वो बच्चे हो जो कि ये सोच रहा था कि मैं फेल हो जाऊंगा तो तुम्हें मुझे 80 प्लस पे लेके जाना है, ये इस 40 डेज चैलेंज का गोल है। उम्मीद करूंगा तुमने मैथमेटिक्स अच्छी तरीके से कर ली होगी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, चलते हैं भैया, लेट्स रोल द इंट्रो। हमने पिछले चैप्टर में बात करी थी केमिकल्स की, भैया केमिकल्स क्या होते हैं, केमिकल कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कुछ रिएक्शन को शो करते हैं, वही है हमारा चैप्टर नंबर 1। उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब हम उन केमिकल्स को कुछ नाम देते हैं, उनका नामकरण करते हैं आज की वीडियो में। तो भैया रामलाल चलो भाई तुमसे पहला नाम पूछता हूं, क्या नाम है भैया? पहला नाम है एसिड, दूसरा नाम है बेस, कुछ होते हैं भैया हमारे केमिकल जो होते हैं सॉल्ट। तो भैया आज की वीडियो में हमने उन्हीं केमिकल्स को नाम दे दिया, अब हमें इन तीनों को पढ़ना है। भैया हम इन तीनों को पढ़ते क्यों है? अरे रामलाल सुनो जरा ध्यान से भैया, यहां हमें रायता नहीं फैलाना है। हमारे पास में जो होता है बहुत सारे जो होता है केमिकल्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो मतलब बोले तो भैया लाखों में केमिकल्स मौजूद हैं। हम अगर उनको जो होता है क्लासिफाई नहीं करेंगे, हम उनको जो होता है भैया एक क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th की अगर हम लाइन, जैसे सुबह तुम्हारी प्रेयर में लगती है कि भैया जो होता है ये क्लास 10th की लाइन है इसमें क्लास 10th वाले बच्चे लगेंगे, ये क्लास 11th की लाइन है इसमें क्लास 11th वाले बच्चे लगेंगे, ये क्लास 12th की लाइन है इसमें 12th वाले बच्चे लगेंगे, अगर भैया तुम केमिकल्स को वैसे नहीं लगाओगे ना तो रामलाल भैया बहुत बुरा रायता फैलेगा और उस रायते को समेटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सर इसलिए हम जो होता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में केमिकल को क्लासिफाई कर देते हैं। ये जो केमिकल है इनको हम कुछ नाम दे देते हैं, भैया एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, इनके ये नाम है। तो भैया अब इनकी थोड़ी हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है और थोड़ी हमें जो होता है केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। इधर वाली केमिकल प्रॉपर्टी तो हो गई सेट, अब भैया इस वाले की केमिकल प्रॉपर्टी भी सेट करते हैं। तो भैया सबसे पहले होता है चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो भैया इंट्रोडक्शन में क्या है, हमने यही बात करी है कि अगर आप इसको नहीं फैलाएंगे, मतलब इसको आप जो होता है नहीं क्लासिफाई करेंगे तो भैया रायता फैल जाएगा, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो भैया अच्छा अब इसमें कुछ चीज़ आती है भैया, एक क्वेश्चन है अगर हमारे रामलाल जनाब हैं तो भैया रामलाल ने पूछ लिया कि सर एक बात बताओ तो मेरे को कि भैया मेरे को कैसे पता चला कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। मैंने कहा रामलाल भाई इतना दिमाग, ओ भाई साहब क्वेश्चन देखो जना, ये है भैया क्वेश्चन कि भैया एसिड बेस है क्या, ये हमको कैसे पता चला कोई केमिकल सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ये हमको कैसे पता चलेगा। अरे भैया तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे सामने कोई पानी ला के रख दे, कहे भैया ये बताओ ये क्या, तुम कहोगे ये पानी है। अगर कोई HCl ला के रख दे, तुमने कहा ये भी पानी हो, तुम उसको पी गए तो जो होता है फिर गेम ओवर, चलते हैं भैया अगली लाइफ में मिलेंगे, ठीक है। तो हमें पता कैसे चलेगा आखिरकार कि भैया कौन सा केमिकल एसिड है या कौन सा केमिकल बेस है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं भैया जिसको हम लोग कहते हैं इंडिकेटर। ओ हो 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 सर जी ये इंडिकेटर क्या बताता है? अरे वही इंडिकेटर जो गाड़ी के साइड में लगा होता है उसकी बात कर रहे हो। अरे रामलाल इंडिकेटर बोले तो इंडिकेट करना, ये इसे इंडिकेट करना, जैसे जो होता है तुम स्कूल में इशारे नहीं मारते उसकी तरफ वो है। जैसे अगर जो होता है एग्जाम में हॉल में बैठे हो और अगर मैम ने पकड़ लिया कि जो होता है तुम इधर उधर टाप रहे हो तो वो जो होता है रामलाल तुम्हारे पास मैम आई तुम इंडिकेट करते हो मैं नहीं था वो था, ठीक है। तो वो इंडिकेट करना, ये इंडिकेटर भी वही काम करते हैं क्या सर? ये इंडिकेट करने का, हाँ भैया यही काम करते हैं। ये किसको इंडिकेट करते हैं? ये भैया एसिड को इंडिकेट करते हैं, बेस को इंडिकेट करते हैं और सॉल्ट को इंडिकेट करते हैं। भैया ये बताते हैं कि जे वहां पे मौजूद है, इधर मत घुसना, इधर मत जाना, वहां मत जाना, वहां पे एसिड है, यहां पे बेस है, यहां पे सॉल्ट है, ये इनका काम है। भैया अब ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं जना, ये भी केमिकल होता है सर जी, हर चीज केमिकल है, केमिकल केमिकल को कैसे बता देगा कि भैया तुम केमिकल हो, क्यों नहीं बता सकता।
क्यों भैया तुम नहीं बता सकते हो? जैसे जो होता तुम्हारे दोस्त होंगे राजू राजू बबलू डब्लू, और जो होता है बहुत सारे पप्पू होंगे, जो होता है कोई और होगा दोस्त, तो तुम सबके नाम नहीं जानते हो? हाँ सर जानते हैं, सबको जानते हैं, तो ऐसे ही अपने आप को भी जानते हैं भैया। इंडिकेटर जो होता है एक केमिकल है, तुझे और केमिकल को भी जानता है, तो ये क्या करता है, ये कुछ भैया अपने अंदर बदलाव ले आता है अगर इसको किसी और में मिला दिया जाए। बोले तो अगर जो होता है तुम किसी गैंग में खड़े हो, अपनी गैंग में खड़े हो, तो तुम्हारा रवैया कुछ और होता है। और भाई क्या हाल चाल है, बढ़िया हो नहीं हो, टीचर्स तुम्हारे सामने खड़े हैं, तो तुम्हारा रवैया कुछ होता है, जी सर हाँ जी सर आप ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये रवैया होता है। तो यही है भैया, यही ये इंडिकेटर करते हैं। ये अगर अपने साथ में है, मतलब बोले तो ये प्योर है, तो ये अपना कुछ और रवैया शो करेंगे, कुछ और बिहेवियर शो करेंगे। अगर ये एसिड के पास पहुंच जाएंगे तो कुछ और बिहेवियर शो करेंगे, अगर ये बेस के पास पहुंच जाएंगे तो कुछ और बिहेवियर शो करेंगे। तो इंडिकेटर जो होता है इंडिकेट करते हैं भैया। ये इनके कुछ टाइप्स हैं, जैसे नंबर वन है आपका नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं सर जी? अब नेचुरल क्या होता है? नेचुरल सर बोले तो वही जो नेचर से आता है, बिल्कुल सही हो। तो भैया यही हो गया आपके नेचुरल इंडिकेटर, जिनको हम नेचर से ऑप्टेन करते हैं, जैसे भैया लिटमस, रेड कैबेज, टर्मरिक। ओहो सर जी लिटमस, लिटमस ने बहुत ज़्यादा जो होता है हम लोगों की मदद करी है इस चीज़ को क्लासिफाई करने में, कौन सा एलिमेंट एसिडिक है या कौन सा एलिमेंट बेसिक है। बोले तो भैया लिटमस भैया जो होता है वो है गिरगट। हैं सर इतने प्यारी चीज़ को गिरगट बोल रहे हो? हाँ ये सही बोल रहा हूँ, लिटमस गिरगट है, गिरगट की तरह रंग बदलता है। कैसे? देखो भैया अगर इसको एसिड में फेंक दोगे, अगर इसको एसिड में फेंक दोगे तो ये भैया ब्लू होगा तो रेड हो जाएगा। अगर जो होता है इसको बेस में फेंक दोगे तो अगर ये रेड है तो ब्लू बन जाएगा। सर जी ये दो अलग अलग, मतलब बोले तो इनका क्या कितना कलर होता है भैया? ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका लाल जो हमेशा गुस्से में रहता है, एक होता है आपका नीला जो शांत रहता है। अगर भैया शांत वाले को जो होता है एसिड में फेंक दोगे तो उसे गुस्सा आ जाएगा, वो रेड हो जाएगा। अगर भैया जो होता है पहले से गुस्से वाले को बेस में फेंक दोगे तो भैया वो शांत हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो ये होता है भैया लिटमस का कलर चेंज। भैया दूसरा भैया ये रेड कैबेज क्या होता है? रेड कैबेज नहीं पता? अरे भैया लाल गोभी, लाल गोभी सर, लाल गोभी का तो नाम हमने आज तक सुना नहीं। अरे गूगल बाबा है तो गूगल बाबा पे जाना, मुझे पता है तुम जो होता है किस लिए जाते हो गूगल बाबा पे, हैं इंस्टाग्राम के जो होता है रीलर नंबर वन। चलो भैया इधर आ जाओ, इधर इधर इधर। रेड कैबेज, रेड कैबेज क्या होता है? लाल गोभी। गूगल बाबा पे सर्च मारना तो लाल गोभी मिल जाएगी। तो भैया लाल गोभी क्या होती है? रेड रहेगी एसिडिक में, उसका जो कलर है, उसका जो नाम है रेड, वो रेड ही रहेगी एसिडिक में। बेस में जो होता है भैया उससे उल्टा कह लो तो भैया ग्रीन गोभी बेसिक सॉल्यूशन में। पत्ता गोभी तो पता है? हाँ सर पता है, पत्ता गोभी मोमोज के अंदर। अबे भैया चाइनीज फूड के दीवाने हैं, तभी सेहत जो होता है वो सखाराम, सूख के जो होता है फूक मारो कांटा बन गए, ठीक है। तो रेड कैबेज है, तो अगर आपको रेड कैबेज से याद रह जाए भैया, रेड कैबेज यानी कि रेड रहेगी एसिडिक में। और रेड कैबेज तो आपको पता नहीं है, आपको क्या पता है ग्रीन कैबेज भैया जो होता है? हरी पत्ता गोभी तो हरी हो जाएगी भैया बेसिक सॉल्यूशन में, ठीक है। हाँ सर ठीक है। नंबर तीसरा है टर्मरिक। टर्मरिक बोले तो सर अरे हल्दी रामलाल, हल्दी वही जो होता है जो तुम सुबह दोपहर शाम खाते हो। हाँ सर पता है हल्दी। तो अगर देखना कभी अगर हल्दी का दाग लग गया होगा कपड़े के ऊपर, और अगर मम्मी ने उसको साबुन से साफ करने की कोशिश करी होगी तो वो लाल हो गया होगा। हाँ सर लाल तो हो जाता है, पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि भैया ये जो टर्मरिक है अगर ये एसिडिक सॉल्यूशन में गई तो वो तो अपना कलर खोएगी नहीं, वो बिल्कुल पीली की पीली ही रहेगी। लेकिन अगर इसको बेस में डाल दिया तो भैया ये जो होता है रेड ब्राउन बन जाती है, वही कलर तुमको सामने से प्रकट होता हुआ दिख जाता है कि भैया ये जो होता है रेड ब्राउन बन गई। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ यार, अगर तुम्हें जो होता है एक बात पता चल जाए कि भैया अगर टर्मरिक को अगर हमने सोप में डाला वो रेड ब्राउन हो गई, तो मेरे दोस्त बात बताओ भैया सोप का नेचर क्या हुआ? अरे सर सोप तो बेसिक नेचर का हो गया। बिल्कुल सही रामलाल, बहुत बढ़िया। नंबर दो होते हैं आपके ऑलफैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑलफैक्ट्री इंडिकेटर्स बोले तो सर जी इधर से लिंक करते हैं सर, इधर तो सर केमिकल लोचा हो रखा है। नहीं मैं उसकी नहीं बात कर रहा हूं, मैं भैया इधर एक ऑलफैक्ट्री लोब होता है उसकी बात कर रहा हूं। सर कब बात करोगे? भैया मैं बात करूंगा इसकी थोड़ी बहुत कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अंदर, अगर आपके सिलेबस के अंदर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में या टाइम टेबल के अंदर देख लेना, इसके बाद वही चैप्टर आपके आने वाले हैं, ठीक है। ऑलफैक्ट्री इंडिकेटर्स की बात करते हैं। ऑलफैक्ट्री इंडिकेटर्स आपके जो होता है सूंघने की शक्ति से जो होता है मदद करते हैं आपकी। बोले तो सूंघने की शक्ति से कैसे? सूंघने की शक्ति से ऐसे कि भैया आप जो होता है सूंघ के ही बता सकते हो। सर जी हम जो होता है कोई डॉग वॉग थोड़ी ना है, हम सूंघ के बता देंगे ना? अरे नहीं रामलाल तुम्हें भी पता चलती है कुछ स्मेल। जैसे बोले तो भैया
प्याज की स्मेल, वनीला की स्मेल, आपको पता है वनीला बोले तो सर आइसक्रीम, अब रामलाल कहाँ पहुंच रहे हो, वनीला बोले तो जो वनीला एसेंस, वनीला एसेंस की बात कर रहा हूँ जिससे तुम्हें आइसक्रीम के अंदर खुशबू आती है, ठीक है। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो होता है वो आपके इधर से लिंक करते हैं, आपकी नोज से, इधर 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 ये जो बैठी है जनाब, ठीक है। तो इससे अगर आपको खुशबू मिल जाएगी तो वो उससे आपको बताएगा कि भैया एसिड है या बेस है। जैसे बोले तो भैया एग्जाम्पल वनीला ओनियन है, ओनियन क्या करता है, अगर ओनियन को बेसिक सॉल्यूशन में डाल दो गुस्सा हो जाता है, अपनी स्मेल को लूज कर देगा, तुम्हें कोई भी ओनियन की स्मेल नहीं मिलेगी। अगर इसको एसिडिक में डाल दो तो एकदम खुश हो जाता है, अपनी स्मेल को वापस ले आता है, आपको ओनियन की स्मेल सूंघने को मिल जाएगी। वनीला की बात करी जाए भैया, वनीला को अगर आप जो होता है बेसिक सॉल्यूशन में डाल दो ये भी जो होता है गुस्सा हो जाता है, अगर इसको आप एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दो ये भी जो होता है खुश हो जाता है, अरे भैया जो होता है लौंडा खुश हो जाता है और अपनी स्मेल को वापस ले आ जाता है। नंबर थ्री होता है भैया आपका सिंथेटिक इंडिकेटर। सो सर व्हाट इज सिंथेटिक इंडिकेटर, भैया सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, हाँ बताओ सर। सिंथेटिक बोले तो जो नेचुरल नहीं है, बिल्कुल सही रामलाल, बहुत बढ़िया। तो सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जिनको हम लैब के अंदर बना रहे होते हैं। सर लैब के अंदर तो आजकल बहुत कुछ होता है, नहीं वो तुम्हें नहीं उससे मतलब है, तुम्हें इधर से मतलब है। सिंथेटिक इंडिकेटर बोले तो भैया वो इंडिकेटर जिनको हम जो होता है आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करते हैं। आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड इंडिकेटर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जिनके एग्जांपल है भैया मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलीन। सर जी इसमें बड़ा दिक्कत होती है, इसको कैसे याद रखें, चलो जरा देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज, ओ हो हो सर जी, तो इसकी एक ट्रिक है, वो बस ट्रिक को अगर तुम गलत वे में ले गए ना तो तुमको ऐसा पटक के मारेंगे ना बम की तरह फाट जाओगे। चलो जरा ट्रिक बताता हूँ, गलत वे में कोई नहीं ले जाएगा, सही बोल रहा हूँ। चलो तो इसकी ट्रिक है मिथाइल ऑरेंज की, माई एप्पल इज रेड माई बनाना इज येलो। तुम्हारे पास में एक सेब है, एक बनाना है, एक सेब है, एक केला है भैया, तो सेब किस कलर का होगा सर जी, सेब येलो कलर का होगा। अब रामलाल सर जी सर ना ना सेब लाल कलर का होगा, बनाना येलो कलर का होगा। तो भैया सेब का कलर क्या है लाल, बनाने का कलर क्या है येलो, तो भैया यही होगा मिथाइल ऑरेंज का कलर। कैसे सर, सेब यानी कि भैया एप्पल, एप्पल यानी सर जी एसिड, एसिड में जो होता है मिथाइल ऑरेंज कैसा कलर देगा सर जी रेड। बी यानी बेस, बी यानी बेस, बी फॉर बनाना, बी फॉर बेस, बनाना का कैसा कलर है येलो, तो भैया मिथाइल ऑरेंज बेस के अंदर कैसा कलर देगा येलो कलर देगा सर जी। फिनोप्थेलीन की बात करते हैं, फिनोप्थेलीन का तुम्हें एक बात बताता हूं, फिनोप्थेलीन तो भैया ये कुछ पिंकिश सा लग रहा है, अगर वर्ड को तुम पढ़ रहे हो फिनोप्थेलीन तो ये पिंक की तरफ जो होता है इंडिकेट कर रहा है। तुम्हें बस इसमें एक चीज रखना है याद में कि भैया अगर ये बेस में जाएगा तो ये पिंक कलर का हो जाएगा, एसिड में इसका कोई कलर नहीं होता है। तो ये वो ओवरऑल चीजें है, ये वो ओवरऑल वो जो होता है कुछ जिनके जो होता है चूल रहती है, वो ये कुछ चूल वाले केमिकल्स हैं जो ये बताते हैं कहीं जाके कि भैया ये चीज़ एसिडिक है, ये चीज़ बेसिक है, ये चीज़ जो होता है सॉल्ट है, ठीक है। एसिड बेस कोई बताते हैं, बचा हुआ तो वो जो होता है निगलेक्टेड पार्ट सॉल्टी होता आता है। तो भैया आप बात करते हैं एसिड की, एसिड क्या होता है सर जी, इसकी कुछ बात करते हैं। एसिड क्या है सर, एसिड एक केमिकल, तो भैया हमें ये पता चला एसिड भी एक टाइप ऑफ केमिकल है। अब जरा एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जनाब। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है भैया, वो प्रॉपर्टीज जो आपको सामने से दिख जाती हैं वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, यानी बोले तो जो केमिकल आपका बिहेवियर शो करता है वो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है भैया एसिड हैव सोर टेस्ट। रामलाल मुझे पता है तुम इसका क्या मतलब निकालोगे, हम भाई ऐसे मारेंगे ना बम की तरह फाट जाओगे, ठीक है। सोर टेस्ट, कोई भी उसका वो वर्ड नहीं इस्तेमाल करेगा, नहीं तो भैया जो होता है बहुत गलत बात है। मैं अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ YouTube भाई मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक मार देगा, ठीक है, तुम इस्तेमाल मत करना। चलो भैया नंबर टू, नंबर वन पता चला एसिड हैव सोर टेस्ट, तुम क्या सोचे बे रामलाल। चलो नंबर टू, दे कैन चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ओ हो हो सर जी ये तो पूरी दुनिया को पता है। नंबर थ्री, एसिड गैस आयोनाइज इन डिसॉल्विंग वाटर, भैया एसिड जो होता है वो फैल जाता है जब उसको वाटर में डिसॉल्व करा जाता है। बोले तो सर एसिड का जान निकल जाती है जब उसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं। सर इसके बाद में क्या होता है, जब एसिड को आप वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दोगे तो भैया वो प्रोड्यूस करता है H प्लस आयंस, ये H प्लस आयंस जो होता है आपको वाटर के अंदर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है भैया। अब एसिड की जरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो भैया एसिड्स को हमने दो तरीके में क्लासिफाई कर रखा है, नंबर वन है आपका ऑर्गेनिक एसिड्स, नंबर टू है आपका मिनरल एसिड। तो भैया ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक बोले तो ऑर्गेनिक खाद का नाम सुना है, हाँ रामलाल सुना होगा भैया, हाँ सर सुना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ऑर्गेनिक खाद क्या होती है, ऑर्गेनिक खाद बोले तो सर जी जो होता है नेचुरल खाद। तो भैया ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं सर जी, नेचुरल एसिड
एसिड, नेचुरल एसिड यानी कि वो एसिड जो होता है जो आपके प्लांट और एनिमल्स से निकाले जाए उनको हम लोग कहते हैं भैया ऑर्गेनिक एसिड। जैसे एग्जांपल आपका एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये आपका जो होता है नेचुरल एसिड है। अब इसके बारे में जरा पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, ये दो प्रॉपर्टी हैं जो आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो आपके वीक इन नेचर होते हैं, आप उसको खा पी सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं होगी रामलाल, उसमें आपके अंदर कोई भी जो होता है परेशानी नहीं आएगी। अब ये एसिटिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है सर जी? ये एसिटिक एसिड आपका लेमन के अंदर प्रेजेंट होता है, ये लैक्टिक एसिड आपका मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है भैया, टार्ट्रिक एसिड आपका टर्मरिक के अंदर प्रेजेंस होता है, ठीक है? ये आपके थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये वीक एसिड होते हैं, नॉट हार्मफुल टू ईट और ड्रिंक, ये वाटर को आयोनाइज नहीं कर पाते हैं भैया। वाटर को आयोनाइज बोले तो भैया ये वाटर में जाके पूरी तरीके से नहीं फैल पाते और ज्यादा एच प्लस आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं। नंबर टू मिनरल एसिड की जरा बात करते हैं रामलाल। तो भैया व्हाट इज मिनरल एसिड? मिनरल एसिड बोले तो अननेचुरली ऑब्टेन एसिड, अननेचुरली ऑब्टेन एसिड बोले तो सर, अननेचुरली ऑब्टेन एसिड बोले तो भैया वो एसिड जिनको हमने नेचुरल तौर पर ऑब्टेन नहीं करा है, जिनको हमने बहुत ज्यादा तरीके से निकाला है, अर्थ से निकाला है, इसको हम लोग कहते हैं भैया मिनरल एसिड। जैसे एग्जाम्पल है आपका HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये बहुत सारे आपके इसके एग्जाम्पल हैं। सर जी इसमें एक बात है भैया, ये जो मिनरल एसिड है ना, इसमें ये जो सल्फ्यूरिक एसिड बैठे हैं, ये इनको हमने कहते हैं भैया किंग ऑफ एसिड या जो होता है एसिडों का राजा। क्यों कहते हैं इनको भैया एसिड्स का राजा? क्योंकि भैया अगर आपने जो होता है ये सल्फ्यूरिक एसिड किसी भी गिलास के अंदर रखा है और आप गए भैया हमारे जो होता है सखाराम गए, सखाराम ने अपनी उंगली उसमें डिप कर दी, उंगली जाएगी तो अंदर लेकिन बाहर कुछ नहीं आएगा, नथिंग विल कम आउट इफ द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट देयर, नथिंग, नथिंग सर मतलब हड्डी भी नहीं ना, कुछ नहीं, खत्म मामला। ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, जो चीज अंदर गई खत्म, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी अनप्यूरिफाइड, ठीक है, ये इसकी थोड़ी बहुत कंडीशंस होती हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं भैया किंग्स ऑफ एसिड या एसिडों का राजा। कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड भैया बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो होता है कॉटन का बड़ा बड़ा सा जो होता है साइन लगाया जाता है कि भैया इससे अलर्ट रहना बहुत अच्छी तरीके से, ठीक। तो ये भैया बहुत ज़्यादा जो होता है डेंजरस एसिड होते हैं, इनको आप अपने हैंड या क्लोथ से ऊपर नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो आपकी तो बैंड बजना तय है। इन एसिड को जो होता है बहुत अच्छी तरीके से रखना चाहिए भैया। और हाँ आप ज़रा डाइल्यूशन की तो बात कर लें, इनको डाइल्यूट कैसे करोगे? मतलब भैया सर डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है? डाइल्यूशन का मतलब होता है भैया एसिड को वाटर के साथ में मिक्स करना ही, दिस इज व्हाट वी कॉल डाइल्यूशन। तो भैया डाइल्यूशन आप कैसे करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का? देखिए जनाब एसिड क्या है, एसिड पहले से ही खोला बैठा है, अगर आने दो किसी को मैं तो उसकी तोड़ फोड़ दूंगा बढ़िया तरीके से, मैं तोड़ फोड़ कर दूंगा, मैं तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो इस तरीके का नेचर रख के बैठा है। वाटर क्या है? वाटर हमारे जो होता है साधु महाराज हैं, वो उनको कोई मतलब नहीं है, वो बड़े शांत हैं, बड़े जो होता है काम है, एकदम शांति से बैठे हुए हैं। अब वो इधर तोड़ फोड़ू नेचर का है, अब तुम क्या करोगे भैया? तोड़ फोड़ू नेचर में वाटर को डालोगे या वाटर में एसिड को डालोगे? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, अगर वो शांत को जो होता है तोड़ू फोड़ू में डाल दिया ना तो वो इतनी बुरी तरीके से उससे लड़ाई लड़ेगा कि भैया मेरे ऊपर भी आ जाएगा, मैं तो सब जल बल जाऊंगा, मेरी तो बैंड मच जाएगी। इसलिए आप हमेशा वो तोड़ू फोड़ू को आप शांति में डालोगे क्योंकि वहां पे ज्यादा शांति है भैया। इसलिए अगर कोई जो होता है ज्यादा गुस्सा दिखा रहा है उसको शांति में ले जाओ तो उसका भी गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन अगर जो होता है ज्यादा गुस्से वालों के बीच में तुम शांति को ले आओगे तो वो वाली शांति नहीं जो तुम सोच रहे हो, ठीक है, शांति यानी वाटर को ले आओगे तो भैया वाटर को भी बहुत बुरी तरीके से कूट जिया जाएगा और जो होता है बहुत बुरा यहाँ पे असर होगा। इसलिए जो होता है तुम तोड़ फोड़ू वाले लोगों को जो होता है लेके जाओगे वाटर के पास में, सो यू विल ऑलवेज मिक्स एसिड विद वाटर, नॉट वाटर विद एसिड, ठीक है, एसिड को आप इनटू वाटर मिक्स करोगे, वाटर को एसिड में आप मिक्स नहीं करोगे। बहुत अच्छी तरीके से आपको ये लिखना है भैया, ये चीज़ समझ जाना है, अगर कभी जिंदगी में जो होता है प्रैक्टिकल करने को मिले ना तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर कर दिया तो भैया बैंड बच जाएगी, ठीक। तो ड्यूरिंग डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड शुड ऑलवेज मिक्स विद वाटर, नॉट वाटर इन एसिड, बढ़िया तरीके से आपका लिख रखा है। दे कैन आयोनाइज कंप्लीट इन वाटर, जनाब सुनिए ये आपके आयोनाइज हो जाते हैं, ये पूरे के पूरे वाटर में H+ आयंस को भर के देते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा गुस्से में बैठे होते हैं। अब जरा इन्हीं एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं भैया। सबसे पहला इसकी मेटल के साथ में रिएक्शन की बात करते हैं। एसिड जो होता है जब मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो भैया ये उस मेटल का सॉल्ट बना देता है और हाइड्रोजन गैस को ये प्रोड्यूस करता है बढ़िया तरीके से। जैसे बोले तो भैया एसिड और मेटल की रिएक्शन कराने का एक एग्जांपल यहां पे दे रखा है, HCl की रिएक्शन करा दो भैया CA के साथ में, तो ये CaCl2 जो कि कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम का सॉल्ट है साथ साथ में ये H2 गैस को प्रोड्यूस कर देता है। नंबर टू है आपका रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। ओ सर जी इरेजर साहब आप कहां से आ गए,
रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। एसिड जो होता है भैया बेस के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। सर जी इसका बहुत अच्छा यूज आपको बताता हूँ, अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है उसको हम और क्या देते हैं सर जी, इनो, इनो देते हैं हम उसको। इनो क्या होता है भैया, इनो होता है बेस। आपके पेट में जाके आपके पेट में वो एसिड ऐसे खोला बैठा होता है, ठीक है, तो वो ज़्यादा अगर खोल जाए, ज़्यादा अगर एसिड से आपको गुस्सा आ जाए तो रामला तुम्हारे पेट में जो होता है एसिडिटी होने लगेगी। लेकिन अगर वही आप इनो पी लो तो वो बेस पहुँच जाता है अंदर, एसिड बेस आपस में लड़ाई होती है, ऐसा जो होता है बुरा एकदम भीषण युद्ध होता है। उस भीषण युद्ध के बाद में क्या होता है, उस भीषण युद्ध के बाद में एक सॉल्ट बन जाता है, एक वाटर बन जाता है। सॉल्ट जब बनता है उसे आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि हमारी बॉडी को सॉल्ट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और जो वाटर बनता है वो तो तुम्हें पता ही है बाहर निकल जाता है, कहीं से कहीं ना कहीं से तो होकर निकल ही जाता है। चलिए जनाब, तो एसिड बेस की रिएक्शन कराते हैं हमने, जो होता है तोड़ू फोड़ू HCl को ले लिया, तोड़ू फोड़ू NaOH को ले लिया। सर जी ये तोड़ू फोड़ू NaOH क्या होता है सर जी, यहाँ पे हमारा एक टॉपिक मिस हो रहा था भैया, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेप्ट, स्ट्रॉन्ग अच्छा बेस, मिस नहीं हो रहा बेस में आते हैं तो उसमें बात करते हैं भैया। तो वीक एसिड और जो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड की हमने बात ले ली। NaOH जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत ज़्यादा तगड़ा बेस होता है। तो ये दोनों तगड़े बहुत भीषण युद्ध होगा, युद्ध होने के बाद में NaCl बन जाएगा। NaCl बोले तो सर सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, वही जो नमक जो होता है जो बड़े स्टाइल में वैसे करके डाल के दिखाते हैं, और प्लस में H2O बन जाएगा। अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आना चाहिए, बहुत सिंपल बात है भैया, सिंपल बात। आपको ये रिएक्शन की ये चीज़ें बस पता होनी चाहिए, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी आपका केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो हमने करा दिया है, लिंक आपके इंडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। और हाँ भैया, कुछ रामलाल हमारे पूछे थे सर जी ये जो आप नोट्स पढ़ा रहे हो ये हमको कहाँ से मिलेंगे, तो भैया उनको मेरा जवाब है, आप अगर जाओ केमिकल जो होता है क्लास 10 पढ़ाई की मजाक चैनल के ऊपर भाई, तो क्लास 10 साइंस की आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें लिखा होगा साइंस हैंड रिटन नोट्स, वो आपके होम पेज पे पहली प्लेलिस्ट मौजूद है। उसमें आप जाओगे, आपको जो से चैप्टर के नोट्स चाहिए उस पर आप क्लिक करना, आपको पूरी वीडियो देखना है, आपको पता चल जाएगा लिंक कहाँ पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में है कहाँ पर है, तो आपको वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेने हैं। लिंक जो होता है आपको हर वीडियो में एक जगह पर नहीं मिलेगी, इसका प्लीज़ कृपया करके ध्यान रखें। नंबर 3 बात करते हैं भैया, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। एसिड की हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में सर, मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं। तो एसिड जो होता है वो मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। सर जी ये क्या चक्कर है, एसिड इसके साथ में भी रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है, इसके साथ में भी रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है, ओहो। तो भैया ये हमारा है क्या, मेटल ऑक्साइड भी तो बेसिक इन नेचर होता है। ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड्स आपके कैसे होते हैं सर, बेसिक इन नेचर होते हैं, सिमिलियर होता है एसिड बेस रिएक्शन का। और इसका दूसरा नाम क्या होता है भैया एसिड बेस रिएक्शन का, चैट बॉक्स अभी के अभी, अगर चैट बॉक्स लाइव नहीं देख रहे हो हिंदी कमेंट सेक्शन अभी के अभी लिखो, आपके पास में 5 सेकंड है, 5 4 3 2 1। हाँ भैया क्या नाम होता है इसका, सर जी इसका नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइज कर देता है दोनों की ताकत खत्म, दोनों की जो होता है लड़ाई खत्म भैया, जो होता है शांति वार्ता कर लो, सॉल्ट बना लो, ठीक है बढ़िया तरीके से। तो ये है भैया आपके एसिड अगर मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है वो भी आपका सॉल्ट और वाटर बना देता है। जैसे कि भैया आपका 2HCl प्लस में Na2O, ओहो, तो भैया ये आपका बना देगा NaCl प्लस में H2O। ओके सर, तो यहाँ पे रिएक्शन अगर सिंपल बात मैं ये देखूँ तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, तो जनाब Na और Cl आ जाएगा, H2 और O आ जाएगा, काम खत्म, पैसा हजम, ठीक है चलिए जनाब। तो भैया फोर्थ है, फिलहाल पैसा तो हजम हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं जनाब, वो नहीं है जो आपसे जो होता है खाली पैसा वैसा लेके और आपको बेकार कंटेंट दे दें। यहाँ पे जो होता है बिना पैसे के PKM पे जो होता है बच्चों का प्यार चलता है, यहाँ पे जो होता है हम लोग बिना पैसे के आपको क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं जनाब, ठीक है शेयर वेयर कर दो बस इतना ही बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। भैया ये मेटल कार्बोनेट क्या है भैया, अरे भैया सिंपल बात है, कोई भी मेटल है उसके भी उसके साथ में कार्बोनेट लगाए, सर ये तो कुछ और ही लिख दिया अब रामला, तुम्हारे हमेशा गलत मतलब काय ले जाते हो, ठीक है। तो भैया ये मेटल और या कार्बोनेट, तो ये होता है आपका मेटल कार्बोनेट, एक मेटल उसके साथ में कार्बन जोड़ दो भैया। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, मेटल है भैया, हाइड्रोजन भी है और कार्बोनेट भी है, ठीक है सिंपल बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। भैया एसिड क्या करता है, एसिड मेटल और कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है भैया। तो ये देखो जनाब, जैसे ये लिख रखा है HCl को हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं Na2CO3 के साथ में। सर जी यहाँ पे Na क्या है, यहाँ पे Na है भैया आपका मेटल, और भैया यहाँ पे CO3 क्या है, CO3 है आपका जो होता है कार्बोनेट, ठीक है
यहाँ पे आपका CO3 क्या है सर, यहाँ पे CO3 है कार्बोनेट, तो ये बन जाता है आपका मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट के साथ में जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, 2NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं तो भैया इस रिएक्शन को हम लोग उठा के इधर ले आते हैं। अरे ई कहाँ रह जा रहा है, आ जा भैया इधर आ जा। हाँ तो चलो भैया इसकी जरा बात करते हैं इस रिएक्शन की, इस रिएक्शन को जरा ध्यान से समझ लो। ये भैया क्या है, ये हमारा एसिड है, एसिड किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, Na। यहाँ पे भैया NaCO3 था तो ये Na का कार्बोनेट था, लेकिन भैया यहाँ पे हाइड्रोजन मारा जा चुके हैं तो हाइड्रोजन मारा जाने से ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। इसके साथ में भी रिएक्शन होने के बाद में वही होगा जो हमेशा से होता आ रहा है, क्या होगा सर, यहाँ पे जो होता है NaCl सॉल्ट बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। अपना चैनल है, आप ही लोगों का चैनल है, शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी। बेस की बात करते हैं भैया, एसिड की बात होती है खत्म, आते हैं बेस के ऊपर। चैप्टर आपका समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, मेरी थोड़ी सी स्पीड ज्यादा हो सकती है आपकी, तो भैया थोड़ा सा कोप अप करने की कोशिश करना। कोप अप कैसे कर सकते हैं सर, भैया इधर जो होता है कानों में हेडफोन लगा के बैठ जाओ, बाहर की कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आनी चाहिए भैया, ना डिस्ट्रैक्ट ना डिस्ट्रैक्शन, ना जो होता कोई भावना आनी चाहिए भैया। कौन सी भावना, इधर से भावना, कोई भी जो होता है इधर उधर की भावना नहीं आनी चाहिए, तुम कौन सी भावना के बारे में सोचे हैं रामलाल। चलो भैया बेस के बारे में बात करते हैं, हेडफोन लगाए हो बढ़िया तरीके से बैठ जाओ, अच्छी तरीके से या शांत कमरे में बैठो जहाँ पर जो होता कोई भी ना हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई भी आपके भावना ना आए यहाँ पे कोई पढ़ाई के अलावा, ठीक है। तो भैया बेस की बात करते हैं जनाब, बेस क्या होते हैं, बेस भी जो होता है कुछ टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जिनकी जो होता कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जनाब। तो ये आपका क्या है, ये एक केमिकल है। केमिकल क्या होता है सर, चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़े हो रामलाल, तो भैया चैप्टर नंबर 1 में बताया था हमने केमिकल क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी अपनी कुछ फिजिकल बोले तो प्रत्यक्ष और कुछ केमिकल बोले तो जो होता उसके अंदर की प्रॉपर्टीज होती हैं। बेस क्या है, बेस भी एक केमिकल है। तो बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जनाब, इसकी नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टी है ये इसका कड़वा होता है बे, ये कड़वा होता है, ठीक है। अगर इसको तुम जो होता है टेस्ट मारोगे तो तुमको बहुत ज्यादा कड़वा लगेगा। नंबर 2 होता है भैया, बेस वाटर में जाने के बाद में फैलते हैं, हाँ भैया फैल जाते हैं, फैलने के बाद में ये कुछ प्रोड्यूस करते हैं भैया, इनको जैसे वाटर में घोला ये प्रोड्यूस मारेंगे OH को, OH बोले तो OH नेगेटिव आयन को, OH नेगेटिव आयन क्या होता है सर, ये इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। HO नेगेटिव या जो होता है इसको OH नेगेटिव से मार्क किया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर, इसको कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। वर्ड संधि विच्छेद कक्षा 8 जब जो होता है सर जी नेकर पहन के जाते थे तब ये पढ़ी थी संधि, ठीक है। क्या होता है हाइड्रो ऑक्साइड, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग मारो तो बनता है आपका हाइड्रो ऑक्साइड और यही होता है आपका OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस होता है जब एसिड को आप किसमें डिसॉल्व करते हैं सर, वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। बेस जो होता है किसी भी एसिड को कितना भी तोड़ू फोड़ू नेचर का हो उसको न्यूट्रलाइज मार देता है, सोपी होता है। सोपी बोले तो सर जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये महाशय में झाग होते हैं, झाग, ठीक है। तो सोपी जैसा लगता है भैया अगर आप इसको टच मारो। तो चलिए जनाब अब नेक्स्ट बात करते हैं भैया बेस की बारे में। बेस जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए उसे हम एल्कलाई कहते हैं, लेकिन भैया क्लास 10th के अंदर बहुत सारे बच्चों के अंदर मिसकंसेप्शन ये होता है भैया सारे बेस एल्कलाई हैं क्या, नहीं रामलाल सारे बेस एल्कलाई नहीं है, लेकिन सारे एल्कलाई बेस होते हैं भैया, ये क्या आपने बता दिया। देखिए जनाब कुछ ऐसे बेस होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बेस होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन जो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते हैं उन्हें आपको अभी नहीं पढ़ना है, वो आप आगे की क्लास में पढ़ रहे होंगे, इसलिए फॉर जर्नल कह दिया जाता है कि भैया सारे बेस एल्कलाई होते हैं, लेकिन ये बात एकदम 100% गलत है, सारे बेस एल्कलाई नहीं होते हैं, सारे एल्कलाई बेस होते हैं, ये डाउट भी आता है मेरे पास में बच्चों का। तो भैया बेस जो कि कंप्लीटली आयोनाइज कर दे वाटर के अंदर उसे हम लोग कहते हैं भैया स्ट्रॉन्ग बेस, जिसका एग्जांपल है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। और वो बेस जो कि वाटर के अंदर कंप्लीटली आयोनाइज ना कर पाए, आयोनाइज क्या होता है सर, अरे रामलाल अभी तो पढ़ाया OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करना, जैसे कि एसिड क्या प्रोड्यूस करता था H+ आयंस को प्रोड्यूस करता था सर, बेस क्या प्रोड्यूस करता है OH आयन को प्रोड्यूस करता है। तो वाटर के अंदर जितने ज्यादा OH आयन उतना ही ज्यादा वाटर का आयोनाइजेशन, तो बेस जितना ज्यादा आयोनाइज कर देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, जो कम आयोनाइज कर पाएगा वो वीक बेस कहलाएगा, जिसका एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH, ओके। तो भैया आप बात करते हैं जरा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में। नंबर 1 की प्रॉपर्टी है भैया इसकी रिएक्शन में मेटल के साथ में, तो बेस मेटल के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट बना देता है और हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है, सेम एज एसिड, कोई भी इसमें चेंज नहीं है। बेस विद एसिड भैया इसको करना क्या है, तो मैं जनाब सिंपल बात एक बात बताता हूँ भैया, ये एसिड है ना इसको उठाओ, ये बेस को उठाओ, ठीक है, ये हाइलाइटर को हटाते हैं जरा पहले
हाइलाइटर को हटा दिया मैंने, अब भैया एसिड को उठाओ इधर रखो, बेस को उठाओ इधर रखो, बेस को उठाओ इधर रखो, एसिड को उठाओ इधर रख दो। तो भैया कुछ नहीं कर रहा, तुम्हें बस इंटरचेंज मारना है, इंटरचेंजिंग इज ऑल अबाउट। सारी की सारी रिएक्शन आपकी सेम है बिल्कुल, बेस एसिड के साथ में रिएक्ट कराएगा। क्या बनाया था भैया एसिड और बेस में, हमने सर सॉल्ट और वाटर बनाया तो सॉल्ट और वाटर बना दो। एसिड जो होता है बेस के साथ में रिएक्ट, एसिड जो होता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता था सर, सॉल्ट और वाटर बनाता था। बेस क्या करेगा, बेस भी वही काम करेगा, सॉल्ट और वाटर बना देगा। अगर एसिड और बेस की रिएक्शन करा दी जाए भैया इन अ वाटर सॉल्यूशन में, तो जो होता है वो आपके आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं। अच्छा ये अगर जो होता है एसिड बेस को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाए तो भैया वो किसमें डिसोसिएट हो जाते हैं, वो आयंस के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ लिया एच प्लस और ओ एच नेगेटिव। भैया ये देखिए जनाब, ये दोनों आयंस के मौजूद हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट आती है बात आपकी पी एच स्केल की। पी एच स्केल को जो होता है भैया 1928 इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो होता है सोरेनसन ने इसको जो होता है डिस्कवर करा था। ये कहलाता है भैया पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन स्केल। सर जी आज तक इसकी फुल फॉर्म तो हमको पता चल गई, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन स्केल इसको कहते हैं, लेकिन भैया ये नापता कैसे है ये चीज हमारी नहीं समझ में आती है भैया। तो सुनो जरा ध्यान से, अगर मैंने अभी दो बात करी थी कि भैया एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस और एक होता है आपका वीक बेस, ऐसे ही एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एक होता है आपका वीक एसिड, ठीक है। तो भैया उसमें क्या होता है, उसमें ये नंबर ऑफ एच प्लस और ओ एच आयंस तो डिफर करते हैं, हां सर डिफर करते हैं। तो इन्होंने सोरेनसन ने क्या करा था, सोरेनसन ने एच प्लस आयंस को पकड़ लिया। अब भैया एच प्लस आयंस की बात करते हैं, जरा एच प्लस आयंस की बात करते हैं भैया। अगर मेरे पास में कहीं पर भी एच प्लस आयंस मौजूद है, अगर H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो मैं क्या बात करूंगा, मैं करूंगा भैया ये तो चीज जो होता है आपकी एसिड है, अगर कहीं पे मैं हूं वहां पे H+ की आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है, बहुत ही कम है या हाई नहीं, तो मैं बात करूंगा भैया ये तो बेस की बात हो रही है। इसी के ऊपर पूरा का पूरा पीएच स्केल डिजाइन है भैया, समझाते हैं कैसे करके। देखिए जनाब जो होता है सोरेनसन साहब ने जो होता है इसको कुछ इस तरीके से क्लासिफाई करा था कि भैया पीएच स्केल के अंदर तीन आपके स्केल होते हैं, 0 to आपका 4 एसिडिक होता है, या 0 to 6 भी कुछ लोग कह लेते हैं भैया एसिडिक होता है, लेकिन यहाँ पे तो जो होता है न्यूट्रलिटी चालू हो जाती है, ये आपके न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो भैया ये आपके 0 to 6 कह लो भैया ये आपका एसिडिक होता है, 7 आपका न्यूट्रल होता है, और फिर ये आपके एल्कलाइन होते हैं। एल्कलाइन बोले तो भैया बेस, बिल्कुल एल्कलाइन नेचर भी कहा जाता है। अगर जनाब आप इधर से इधर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, इधर से इधर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या होगा, तो होगा भैया यहाँ पे तो एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो होगी नहीं, या बोले तो भैया बोले तो भैया यहाँ पे तो H+ आयन नाम का तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। लेकिन अगर वही मैं बात करूं कि आप अगर इधर से इधर की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, if you are moving from 14 to 0, then what will happen sir? This will happen कि भैया जो होता है H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी, और OH आयन तो होना ही नहीं है, खत्म है इसका तो खेल एकदम। यही प्रिंसिपल पे पीएच स्केल काम करता है। बोले तो ये नापता है, ये किसको नापता है सर, ये नापता है भैया कितने H+ आयन मौजूद है। यहां पे सबसे ज्यादा H+ आयन मौजूद है, कोई भी OH आयन नहीं है, तो भैया ये जो होता है आपका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज्यादा, जैसे बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड HCl, बैटरी एसिड जो होता है HNO3 भी उतना नहीं होता, लेकिन भैया सल्फ्यूरिक एसिड और जो होता है आपका HCl बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। फिर और कम हुई तो भैया ये यहां पे आ गए, एग्जांपल मैंने यहीं पे इंटीग्रेट कर रखे हैं बहुत अच्छी तरीके से, जैसे ये बैटरी एसिड हो गया, स्टोमक हो गया, लेमन जूस हो गया, वाइन हो गया, बनानास हो गए, ब्लैक कॉफी हो गई। तो ये नंबर पे लिख रखा है भैया किस किस के कौन कौन से एग्जांपल हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं अच्छी तरीके से, इसमें कोई भी जो होता है दिक्कत नहीं है। ये अगर नहीं भी पढ़ोगे तो कोई टेंशन नहीं है, नंबर 4 का, नंबर 14 का पढ़ लेना भैया, और नंबर 0 का पढ़ लेना कि नंबर 14 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है भैया NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये बहुत ज्यादा। भैया न्यूट्रल कौन होता है, न्यूट्रल होता है प्योर वाटर, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना आना चाहिए। और ये भी चीजें मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दी भैया। अगर पीएच कम है तो भैया एसिडिक है, पीएच जो होता है इक्वल टू 7 है तो भैया न्यूट्रल है सॉल्यूशन, अगर पीएच 7 से ज्यादा है ना तो सॉल्यूशन बेसिक है। अब भैया एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या काम है, भैया हमने पीएच पढ़ तो लिया, इसकी एप्लीकेशन कहां पे होती है रामलाल उसकी जरा बात करते हैं। मैं थोड़ा जो होता है तेज चल रहा हूं क्या कि आपका चैप्टर खत्म हो जाए एक कम टाइम के अंदर, आपको पूरा कंटेंट डिलीवर हो। तो भैया पीएच की एवरीडे लाइफ में कोई भी एक पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूं, ना 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 सोचना मत कि मैं पॉइंट छोड़ रहा हूं, तो मैं वीडियो को 2x पे करने की जरूरत नहीं है, मैं 2x पे बोल रहा हूं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। नंबर 1 भैया कि पीएच जो होता है हमारे जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रामलाल कैसे, बोलो सर कैसे जी हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। अरे एक बात सुनो, तुम्हारा मुंह का एक पीएच होता है, ये लाइफ प्रोसेस के अंदर हम पढ़ेंगे सर कितना होता है, 4 to 4.5 होता है, ये थोड़ा स्लाइटली एसिडिक होता है, किसकी वजह से होता है ये सर जी, जो होता है ये स्लाइवा
सलाइवा की वजह से होता है। सलाइवा में एक जो होता है एंजाइम प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज, और सलाइवा का खुद का नेचर एसिडिक होता है, इसलिए आपके माउथ का नेचर एसिडिक रहता है, क्या कि भैया आपके माउथ के अंदर कोई भी बैक्टीरिया ना पनप पाए। अगर आपके माउथ का नेचर जो होता है बिगड़ जाए, अगर भैया आपके माउथ का पीएच स्केल थोड़ा बहुत बिगड़ जाए, आपका माउथ जो होता है उसमें ज्यादा एसिड ना बचे, तो आपके माउथ में जो दांत हैं वो सड़ना चालू कर देते हैं। इसको कहते हैं हम लोग टूथ डिके। ठीक है भैया, हमारी बॉडी एक पीएच रेंज पे काम करती है। कितने पे काम करती है भैया? न्यूट्रल पे काम करती है। न्यूट्रल से स्लाइटली एसिडिक भी कह सकते हो, 7.0 to 7.8। ठीक है, अगर जो होता है भैया बारिश हो रही है, बारिश का पीएच बहुत ज्यादा कम हो जाए, बारिश न्यूट्रल ना होकर एसिड हो जाए, तो भैया उसको हम लोग कहते हैं एसिड रेन। अगर पीएच जो होता है सॉइल का बिगड़ जाए तो उसमें से कोई भी क्रॉप नहीं उगेगी, उसमें जो होता है कोई भी प्लांट नहीं उगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है बहुत सारी जगह पे अगर ऐसा होता है कि भैया वहाँ का पीएच कम हो गया है, वहाँ पे पीएच एसिडिक हो गया है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स वहाँ पे जाके बेस डालते हैं ताकि वहाँ का जो होता है पीएच न्यूट्रलाइज हो पाए, जैसे कि यूरिया हो गया, बहुत सारे अलग अलग बेस होते हैं ताकि वहाँ पे क्रॉप उग पाए। भैया हमारे डाइजेशन में क्या पीएच का रोल है? भैया हमारे स्टोमक में पीएच सिक्रीट होता है। ये स्टोमक तो है नहीं सर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, कोई बात नहीं, नहीं मिल पाया स्टोमक का फोटो। तो भैया ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टोमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अलग अलग मीडियम होते हैं, जैसे कि भैया यहाँ पे हमारा स्टोमक बना लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है, बना लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं अच्छी तरीके से। तो भैया ये हमारा स्टोमक हो गया, ठीक है, ये हमारा स्टोमक हो गया। अब यहाँ से आपका निकलेगा फूड और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। हाँ सर, आ गया। तो भैया स्टोमक के अंदर क्या होता है, स्टोमक के अंदर मीडियम होता है एसिडिक, लेकिन भैया यहाँ पे सारा का सारा जो मीडियम चाहिए, यहाँ पे जो होता है जितना भी मीडियम चाहिए, यहाँ पे मीडियम चाहिए भैया क्या, यहाँ पे मीडियम चाहिए भैया, यहाँ पे चाहिए एल्कलाइन मीडियम। तो एल्कलाइन मीडियम और एसिडिक मीडियम, भैया यहाँ से तो एसिडिक आ रहा है यहाँ पे, तो भैया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसा चाहिए, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में चाहिए एल्कलाइन मीडियम। तो जब हमें यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम चाहिए तो हमें जो होता है उसका कन्वर्जन भी करना पड़ेगा। अगर ये चीज़ बिगड़ जाए तो भैया आपके जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर्स बन सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो हमारा डाइजेशन के अंदर भी पीएच रोल निभाता है, जैसे कि भैया हमारा स्टोमक का पीएच रहता है 1-3 के बीच में, और जो होता है भैया ये 1-3 पीएच जो होता है आपका पेप्सिनोजिन को एक्टिव करता है। भैया ये पेप्सिनोजिन कौन से जिन की बात कर रहे हो? यहाँ पे तो हमने आज तक जो होता है जिन को सिर्फ अलादीन में देखा है, उसके अलावा तो देखा नहीं यार, सुनो जरा ध्यान से। ये भैया पेप्सिन है, पेप्सिन एक्टिव है, लेकिन भैया किसी भी एंजाइम के आगे अगर जेन लग जाए या उसके शुरू होने से पहले प्रो लग जाए तो उसे हम लोग कहते हैं इनएक्टिव है। इनएक्टिव बोले तो भैया जैसे तुम अभी इनएक्टिव पड़े हो, कैसे सर अभी तो हम पढ़ रहे हैं, तो अभी तुम एक्टिव हो लेकिन इसके बाद में तुम इनएक्टिव हो जाओगे, रात भर लेट सोगे बढ़िया तरीके से। तो भैया ये है पेप्सिन, ये पेप्सिनोजिन की फॉर्म में रिलीज होता है, या एक और एंजाइम होता है आपके स्टोमक के अंदर, अगर आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया हो, मैं तो आपको पढ़ाऊंगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। तो ये भैया रिलीज होता है, ये दोनों क्या हैं, ये इनएक्टिव एंजाइम्स हैं, लेकिन भैया इन इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव करने का काम कौन करता है? भैया HCl जो आपके स्टोमक के अंदर सिक्रीट होता है। ठीक है भैया, इसकी चीज़ आपको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आनी चाहिए। ऑल माय डियर रामलास, एकदम कॉन्सेंट्रेशन, एकदम फोकस पर रहना चाहिए। अब अगर जो होता है हमारे स्टोमक का एसिड बढ़ जाए तो वो हमें देता है एसिडिटी, अगर घट जाए तो हमारे स्टोमक में भी प्रॉब्लम होने लगती है, हमें जो होता है इंडाइजेशन होने लगता है। ठीक है, अब हमारा जो होता है टूथ डिके की मैं बात कर चुका हूँ। भैया हमारे माउथ का पीएच जो होता है 5.5 से लोअर होता है, ये बात मैंने करी है, 4.8 बोल दिया होगा, तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो सकता है। अगर भैया इससे वो कम चला जाए तो हमारे माउथ में टूथ डिके चालू होने लगता है। ठीक, बढ़िया तरीके से यह चीज़ आपको सिंपल समझ में आनी चाहिए। एसिड बेस हमने निपटा लिया है, अब जरा बात करते हैं सॉल्ट। तो एसिड बेस की तो हमने बात कर ली जनाब, अब जरा उन दोनों के बने हुए प्रोडक्ट की तो बात कर ले, उनकी प्रोजेनी की भी तो बात कर ले जनाब। सर ये प्रोजेनी क्या होती है? अरे रामलाल इंतजार करो, किस चैप्टर का सर? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का। अरे जो तुम सोच रहे थे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई। तो सॉल्ट की बात करते हैं। सर जी हमने कब पढ़ा था कब सॉल्ट बनता है? सर हमने पढ़ा था कि भैया जब एसिड बेस की रिएक्शन होती है तब हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो सर ये सॉल्ट होता क्या है? ये सॉल्ट भैया एसिड बेस रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है, एसिड बेस रिएक्शन की प्रोजेनी होती है। तो भैया सॉल्ट क्या है? सॉल्ट भैया एक केमिकल कंपाउंड है। अब ये भी तीन नेचर का होता है भैया, कैसे? जैसे बोले तो मैं समझाता हूं तुमको। अगर मैंने जो होता है एसिड बेस की रिएक्शन कराना है तो मैंने भैया एसिड को ले लिया बहुत ही तोड़फोड़ू नेचर का, बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर भैया मैंने बेस को लिया थोड़ा कमजोर, जैसे हमारे सखाराम है, तो ठीक है भैया हमने वीक बेस ले लिया, तो अब यहां पे जो सॉल्ट बनेगा सर उसका नेचर क्या होगा? सर जी उसका नेचर तो एसिडिक होना चाहिए। कैसे? हमने जो होता है ज्यादा तोड़ फोड़ू नेचर का एसिडिक ले लिया, एसिड ले लिया हमने बहुत अच्छा नेचर का, बहुत ज्यादा ताकत वाला, लेकिन हमने जो सॉल्ट लिया है उसको हमने बहुत कम ताकत वाला लिया है। तो जब वो बहुत कम ताकत वाला है वो तो एसिड उसके एक घूसा मारेगा, वो तो भैया वैसे ही बिछ जाना है। तो भैया जो सॉल्ट बनेगा वो आपका एसिड नेचर का बनेगा। अगर भैया यहाँ पर रामलाल मैं कुछ चीज बदल दूं, क्या बदल दूं सर? यहाँ पर जो होता है भैया हम अगर एक काम करें, हम यहाँ पे कुछ काम करते हैं, क्या काम करते हैं सर? यहाँ पे
हम जो होता है अगर वीक एसिड ले, मतलब बोले तो जो होता है कमजोर हमारे सखाराम की तरह वीक एसिड, और प्लस में हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस ले लें एक जो होता है ताकतवर बेस, तो यहाँ पे इस बार किसकी कुटाई होने वाली है, इस बार वीक एसिड की कुटाई होने वाली है बहुत बुरी वाली। तो भैया जो सॉल्ट बनेगा वो कैसे नेचर का होगा, सर वो तो जो होता है आपका बेसिक नेचर का होगा। अगर हम एक और नेचर लेते हैं भैया, एक और लेते हैं सर, ये क्या लेते हैं भैया, बात करते हैं जरा इसकी। अब हमने लिया इस बार में भैया स्ट्रॉन्ग बेस था हमारे पास में, लेकिन अब इस बार हमने जो होता है फिर से हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया। अब जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया तो भैया यहाँ पे देखो ध्यान से, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन हो रही, दोनों बराबर की टक्करी की है भैया। इधर भी बहुत तगड़ा पहलवान है, इधर भी बहुत तगड़ा पहलवान है, दोनों में टकराव होगा लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट का नेचर क्या होगा, वो सॉल्ट का नेचर जो होता है भैया न्यूट्रल होगा, वो ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, वो भैया कैसा होगा, वो होगा आपका न्यूट्रल नेचर का। तो आप बात करते हैं भैया ये तीन तरीकों के सॉल्ट की, तो एकदम आपको क्लियर हो जाना चाहिए भैया ये कौन से तीन टाइप ऑफ सॉल्ट होते हैं। एक होता है आपका एसिडिक, एक होता है आपका बेसिक और एक होता है आपका न्यूट्रल। ये आपको एकदम क्लियर करा दिया मैंने, एग्जांपल देख लीजिए। जो एसिडिक सॉल्ट है NH4Cl, बेसिक सॉल्ट है Na2CO3, न्यूट्रल सॉल्ट है जो आप खाते हैं NaCl। चलिए तो आप जो खाते हैं उनसी की बात कर लेते हैं। कॉमन सॉल्ट NaCl, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है सर जी? NaCl को फॉर्म कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेना है और जो होता है HCl को लेना है। दो स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक तगड़ा एसिड एक तगड़ा बेस। जब आप एक तगड़े एसिड और एक तगड़े बेस को ले लेंगे तो वहाँ पे एक सॉल्ट बन जाएगा जो कि होगा NaCl, जो कि जो होता है न्यूट्रल सॉल्ट होगा, साथ साथ में इसमें वाटर बन जाएगा। ये NaCl के इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे है सर? कुकिंग ऑफ फूड, डेली लाइफ में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रिजर्वेटिव में इसका इस्तेमाल होता है भैया, इसका जो होता है रोडों पे कलेक्ट हुई आइस को भी जो होता है मेल्ट कराने में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे भैया आप सुनते होंगे कि अमेरिका में बहुत ज्यादा बर्फ गिर गई है, तो बहुत ज्यादा बर्फ गिरने के कारण वहां पे रोड ब्लॉक हो गए हैं, तो रोडों पे पड़ी हुई बर्फ को पिघलाने के लिए वहां पे जो होता है नमक फेंका जाता है, तो नमक क्या करता है बर्फ को पिघला देता है। सोप की मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल होता है भैया, केमिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। ये सब चीजें आपके पढ़ने वाली हैं, आपको याद रखना है, इसमें समझाने की कोई चीज नहीं है कि जो मैं चीज आपको समझा सकूं। तो भैया आप बात हो गई भैया सोडियम क्लोराइड की, यानी कि कॉमन सॉल्ट की। आप बात करते हैं जरा सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH होता है। इसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस की बात करते हैं। इसके जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसका नाम आपको याद रखना है, उसको कहते हैं हम लोग क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस। क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस होती है, ये चीज आपके यहाँ पे एकदम सेट हो जानी चाहिए, कोई चीज इसमें जो होता भूलने वाली नहीं है। क्लोरो एल्कलाई प्रोसेस होती है क्यों भैया? यहाँ पे क्लोरीन और एक एल्कलाई बन रहा होता है। कैसे भैया? हम लोग जो होता सबसे पहले तो ये बात होती है भैया इसे कैसे लेके आए? इसे लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको NaCl को, आपको किसे NaCl को आपको जो होता है वाटर के साथ में रिएक्ट करा देना है। जब आप इसको वाटर के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो भैया यहाँ पे NaOH बन जाएगा, ठीक है। इस NaOH को लेके आते हैं जनाब यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे देख लिया हमने NaCl को वाटर के साथ में रिएक्ट कराया। NaCl को आप वाटर के अंदर जब घोलेंगे ना, उस सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन, याद रख लीजिए एकदम बढ़िया तरीके से। व्हेन NaCl इज डिसॉल्व इन वाटर देन इट इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन, एंड व्हेन ब्राइन सॉल्यूशन को हम लोग जो होता है रिएक्ट कराते हैं NaOH बनता है, Cl बनता है, H2O बनता है। तो भैया ये इसकी फॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस हो गई। अब एक एक चीज की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये NaOH के कहां कहां इस्तेमाल है इसको पढ़ लेते हैं, फिर Cl के कहां कहां इस्तेमाल है इसको पढ़ लेना है, फिर H2O के कहां कहां इस्तेमाल है इसको पढ़ लेना है भैया। सबसे पहले H2O के कहां कहां इस्तेमाल है, हाइड्रोजन गैस को कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले फ्यूल में इस्तेमाल किया जाता है, रॉकेट जो जाता है उसमें हाइड्रोजन फ्यूल होता है भैया। मेकिंग ऑफ अमोनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अमोनिया को बनाने में। Cl2 का सर कहां इस्तेमाल होता है? वाटर ट्रीटमेंट में, पेस्टिसाइड में, क्लीनिंग में। किसको क्लीन करना है सर? स्विमिंग पूल को क्लीन करना है, वही जिसमें तुम लोग बढ़िया बढ़िया पिक्चर खिंचवाते हो, मेरे को पता है रामलाल, लव घूमना गमना बंद करो, बोर्ड के पेपर आ रहे हैं। NaOH की बात करते हैं जनाब। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसको सोप में इसको डाला जाता है, डिटर्जेंट में मौजूद होता है, डीग्रीजिंग में मौजूद होता है भैया। डीग्रीजिंग मटेरियल्स में मतलब बोले तो भैया ग्रीस जहां पे लगा होता है उसको हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का मदद ली जाती है। पेपर में इसको बनाने में, पेपर को बनाने में मदद ली जाती है। मतलब बोल लेना, याद रख लेना सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है, वही चीज जिस पे तुम लिख रहे हो। किस पे लिख रहे हैं सर? पेपर के ऊपर, वही बोर्ड एग्जाम का पेपर में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज हुआ है उसको बनाने में। नेक्स्ट होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर लड़कियां बहुत अच्छी तरीके से मेरे से रिलेट कर पाएंगी कि भैया इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। सर जी इस्तेमाल तो हम लोग रिलेट कर पाएंगे, लेकिन जो होता है इसको बनाते कैसे हैं? तो भैया इसको बनाने के लिए आपको जो होता है क्लोरीन की रिएक्शन करानी पड़ेगी स्लेक्ड लाइम के साथ में। स्लेक्ड लाइम क्या होता है सर जी? स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी क्विक लाइम को वाटर के साथ में रिएक्ट कराओगे स्लेक्ड लाइम बन जाएगा।
स्लेट लाइम की रिएक्शन करानी है आपको क्लोरीन के साथ में, बन जाता है भैया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसी को हम लोग नाम देते हैं भैया ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोरीन होता है भैया, और साथ में वाटर बन जाता है। इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे है भैया, ब्लीचिंग में इस्तेमाल होता है इसका, कॉटन में, लिनिन में इसका इस्तेमाल होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिसइंफेक्टिंग में, मैन्युफैक्चरिंग क्लोरोफॉर्म में भैया। तो ब्लीचिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ करती हैं ब्लीचिंग, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है भैया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, कॉटन और भैया हाँ इसका जो होता है कॉस्मेटिक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, डिसइंफेक्टिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ो, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, जहाँ मेरा तो जोश कम हो नहीं रहा है, आपका कैसे कम हो गया, अबे इधर उठ के बैठो सीधे, एकदम बढ़िया तरीके से एकदम लेक्चर कंप्लीट करना है, 40 डेज चैलेंज को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है भैया बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओहो सर इसका नाम कैसे याद रहेगा, इसका नाम आपको याद करना है, वो कैसी भी याद करो कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल याद करना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। भैया इसको बनाते कैसे हैं, चलिए इसका जरा बनाने की काम करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा घर में इस्तेमाल होता है भैया, मम्मी से पूछ लेना इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, जिंदगी में कभी ना भूलोगे सोडियम हाइड्रो क्या कहते हैं भैया बेकिंग सोडा कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। इसको इस्तेमाल किया जाता है किचन में, और जो होता है भैया जो होता है तुम लोग जो खाते हो केक वेक, इसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, क्रिस्पी थिंग जैसे पकौड़ी छोड़ दो भैया, थोड़ा सा हेल्दी फूड खाओ, नहीं तो जो होता है वैसे चिमरक हो और चिमरक बन जाओगे। तो भैया जो होता है क्रिस्पी थिंग में बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। इसका फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं भैया, फॉर्मेशन बहुत आसान है, कॉमन सॉल्ट को लेना है, वाटर को लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेना है, अमोनिया को लेना है। अरे सर इतनी सारी चीज़ें, कॉमन सॉल्ट, वाटर, अमोनिया और जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इस सब को आप ले लेंगे उसके बाद में आपकी दो चीज़ें बनेंगी, सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड बनेगा, दूसरा आपका ये जो होता है बेकिंग सोडा बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा सर ये पता कैसे चल रहा है भैया कि जो होता है यहाँ पे हमें ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ओहो सर बड़ा दिक्कत हो गई। सबसे पहले तो सोडियम सोडियम क्लोराइड से आ रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, कार्बोनेट यहाँ से आ रहा है, पूरी चीज़ तो पता चल रही है। अब भैया ये हमने जो होता है यहाँ पे H2 क्यों लिया, भले को हमें यहाँ से H मिल रहा था, अरे भैया ये तो देखो NH4Cl बन रहा है, यहाँ पे भी तो कुछ जाएगा, हाँ सर जाएगा, तो जब जाएगा तो यहाँ पे बचे होने के लिए भी तो हमें चाहिए, ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगले लेवल की है ये, लेकिन अभी पढ़ा रहे हैं तो भैया मुझे नहीं पता भैया ये CBSE से जाकर पूछो क्यों इसे इंक्लूड कर रखा है। तो ये कहलाती है भैया डबल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट को कॉम्बाइन किया जाता है, इसमें दो दूनी चार, इसलिए इसका नाम होता है डबल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, इसमें डबल जो होता है एलिमेंट्स को कम्बाइन किया जाता है। तो भैया इसमें आपको सिंपल बात रट लेना है NaCl H2O CO2 NH3, कभी नहीं कहता हूँ रट लेना भैया, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कुछ समझाने का है ही नहीं, इसमें मैं क्या समझाऊँ भैया, इसमें ये रिएक्शन कैसे हो रही है, ये कम्बाइन कॉम्बिनेशन हो रहा है, ये भैया आप जब समझ पाओगे जब आप बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस को कर रहे होगे भैया, जो होता है वर्नर्स प्रोसेस, बेकर्स प्रोसेस, ये सारी चीजें आप जब पढ़ रहे होगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी भैया ये चीज हो कैसे रही है। अभी तो मैं समझाने का मतलब वही है कि मैं जो होता है अपना सिर पीटता रहूं दीवार के ऊपर, लेकिन तुम्हारे कोई असर नहीं होगा क्योंकि तुम्हारी अभी पल्ले नहीं पड़ने वाली है ये चीज। इसके यूजेस पढ़ लो, ये चीज आपको सिंपल बात है, इधर की तरफ सेट कर लो, इधर केमिकल लोचा कोई वो नहीं है, इधर बस सेट करना है इसको भैया। तो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है, इसको मतलब इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, एंटासिड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मेडिसिन में भैया, मेकिंग ब्रेड में इस्तेमाल किया जाता है, केक्स को फ्लफी बनाने में जो होता है कुशनी केक होते हैं उसको बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बस ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसमें अपने आप भी मार्क कर लेना, इसके नोट्स की वीडियो की जो होता है आपको चैनल पे मिल जाएगी, और अगर चाहो तो भैया इसकी वीडियो के लिंक आपकी पिन कमेंट में होगी, वहाँ पे जाके इससे आप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बोले तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट इसका नाम होता है सर, सोडियम कार्बोनेट आपने पढ़ लिया था, वॉशिंग सोडा में उसमें क्या काम करना है, उसमें एक सिंपल बात काम करना है भैया डेका हाइड्रेट लगा देना है, ठीक है, आपने जो होता है ये पढ़ा था यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा था, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट थोड़ा बहुत लिंक करता है, तो इसलिए जो होता है कन्फ्यूज मत हो जाना, इसलिए सिंपल बात सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट को हम लोग क्या कहते हैं सर, वॉशिंग सोडा कहते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होता है सर, वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन चलिए पढ़ते हैं, इसकी तीन रिएक्शंस है, तीन रिएक्शन, सबसे पहले तो ये ऊपर वाली रिएक्शन है भैया, यहाँ पे ये वाली रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन को ही उठा के हम लोग इधर ले आते हैं। सर जी लेके आए NaCl H2O CO2 NH3 बन रहा है, ये भैया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट
हमें लेके आना है और डेकाहाइड्रेट बनाना है। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट हमें लेके आना है, क्या बनाना है, डेकाहाइड्रेट बनाना है उसको। डेका बोले तो सर 10 बोले, ठीक है, तो डेकाहाइड्रेट बनाना है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको उठा लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे बनाने के बाद में इसको उठा लेते हैं। इसको जब हीट मारेंगे तो ये क्या करेगा, ये सर जो होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन को शो करेगा। डीकम्पोजिशन, इसकी दोस्ती बिखर जाएगी। जब इसकी दोस्ती बिखर जाएगी तो ये Na2CO3 में टूट जाएगा, साथ में वाटर होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अरे सर सोडियम कार्बोनेट तो आ गया, सोडियम कार्बोनेट आ गया, ये तो आ गया, अब इसमें वाटर को जोड़ दो, सिंपल बात है। अरे सर तो जोड़ो ना, तो सोडियम कार्बोनेट में, अरे जोड़ो, तो जोड़ने के बाद में क्या होगा, 10H2O जोड़ दो, Na2CO3 डॉट 10H2O। ये क्या होता है 10H2O सर, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है सर। पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है सर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वो होता है भैया जो किसी भी मटेरियल को क्रिस्टलाइज करने में मदद करे या उसके साथ में जुड़ा हो। जैसे चीनी क्या होती है सर, क्रिस्टल्स होता है, उसके अंदर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है। उसे जरा पानी के, उसे जरा धूप के अंदर रख के देखना, उसके ऊपर पानी के वेपर्स आने लगेंगे। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में आपको कितना पता होना चाहिए सर, इतना ही पता होना चाहिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में कि वो जो होता है आपका किसी भी चीज को क्रिस्टलाइज करने में मदद करता है, उसके अलावा आपको कुछ चीज नहीं पढ़ना है। यूजेस की जरा बात करते हैं भैया, इसके यूज कहां पे है भैया, इसके यूज है भैया ग्लास इंडस्ट्री में, सुपर इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग, बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन आएगा तो भैया यहां से आएगा, किस एलिमेंट, किस जो होता है सॉल्ट का हम इस्तेमाल करते हैं बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है भैया, तो ये आपको लिख के आना है। और भैया डोमेस्टिक पर्पस से ये तो भैया आपको नहीं करना है, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, आप नहीं भी करो कोई टेंशन नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाथ की हड्डी टूट जाए, हार्ट की हड्डी अगर टूट जाए तो वहां पे क्या लगाते हैं सर, प्लास्टर लगाते हैं, वही इसी की बात करने वाले हैं सर। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, घर में जो होता है वो बढ़िया बढ़िया सी जो होता है डिजाइनिंग होती है वो भी POP करा रही होती है। POP का फॉर्मेशन कहां से होता है, POP का फॉर्मेशन होता है भैया जिप्सम से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.half H2O, half H2O को क्या कहते हैं सर, हाफ को कहते हैं हेमी, और H2O है तो हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट भैया, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसका नाम होता है भैया। इसको फॉर्मेशन कराते हैं जरा जिप्सम से, इसकी फॉर्मेशन करानी है हमको। जिप्सम को हम लोग जो होता है कुछ नहीं करेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट मार देंगे। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग हीट मार देंगे, 100 डिग्री यानी कि 393 डिग्री केल्विन पे हम उसको हीट मार दें, तो अगर हीट मारने के बाद में हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा, आधा वाटर उड़ जाएगा। इस्तेमाल देखते हैं भैया, हॉस्पिटल में इसका इस्तेमाल होता है, जहां पे जो होता है फ्रैक्चर बोन को राइट पोजीशन पे इस्तेमाल का मतलब रखने के लिए इस्तेमाल होता है। डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में इस्तेमाल होता है, फायर प्रूफिंग में इस्तेमाल होता है भैया, एयर टाइट गैप्स को सील करने में इस्तेमाल होता है भैया। केमिस्ट्री लैब के अंदर कुछ ऐसी रिएक्शंस करोगे जहां पे तुमको एयर टाइट चाहिए होगा, वहां पे तुम्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल करोगे। 40 डेज चैलेंज डे नंबर 4 होता है आपका समाप्त। मिलते हैं आपसे कल, किसके साथ में सर, नेशनलिज्म इन इंडिया के साथ में। 40 डेज चैलेंज चल रहा है भैया, धनाधन वीडियोस आएंगी सिर्फ संडे को छोड़ के, ठीक है। संडे को आपको कुछ बढ़िया वीडियो मिलने वाली है भैया, मैं अपने बारे में बात करने वाला हूँ, कुछ आपको रिसोर्सेज दूंगा, अपनी थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ भैया आपको, जो होता है संडे को एक मस्त तो वीडियो मिलेगी। तो भैया डे 4 खत्म होता है, डे 5 में आपसे मिलते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया के साथ में। वीडियो एकदम बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो जाना चाहिए, चैप्टर इधर से मोहब्बत हो जानी चाहिए चैप्टर के साथ में। हो गई है मोहब्बत तो हिंदी कमेंट सेक्शन लिखो, सर जी मोहब्बत करा दी आपने चैप्टर के साथ में, चैप्टर से हमें प्यार हो गया है, अब भैया हम जिंदगी में कभी ना भूलेंगे भैया एसिड बेस्ड सॉल्ट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से हमने मोहब्बत कर ली, अब बारी है नेशनलिज्म इन इंडिया, हमारी भारत की बात होने वाली है। तो भैया कल मिलते हैं आपसे ठीक शाम 6 बजे, क्योंकि दिन में इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि दिन में बहुत सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अभी बहुत सारे बच्चों की वही 75% का डैश क्राइटेरिया रख रखा है, तो उसी को पूरा करने के लिए बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं। जब लास्ट होगा आपका, जब आप लोग जो होता है आपके प्री बोर्ड्स हो जाएंगे, उसके बाद में हम लोग सुबह में भी सेशन रखा करेंगे, तब आप लोग आना भैया। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को, तब तक लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही फोड़ते रहिए।